महंगाई कम होने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। अब अग्रवाल के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पलटवार किया है। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एक तरफ कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं महंगाई की मार से जनता परेशान है। इसी बीच बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बेहद असंवेदनशील बयान दिया है और कहा है कि केवल कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही खाना पीना छोड़ देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये तो उनकी केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। महंगाई की बेतहाशा बढ़ोतरी से आज देश का मध्यम वर्ग गरीब वर्ग परेशान है। ऊपर से बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता इस प्रकार का बयान देके लोगों के जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा गर्म है। महंगाई आसमान छू रहा है और देश की समूची जनता महंगाई से परेशान है। उसको पता नहीं किस लहजे में बृजमोहन जी अन्न जल त्याग करने की बात कह रहे हैं और उपयोग जो चीज़ महंगा है उसको उपयोग नहीं करने की बात कह रहे हैं। माननीय बृजमोहन जी स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं। अगर जिस समय कोरोना आपदा के रूप में पूरे देश में आई हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए, उनको अनाज में बचत करनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात? और टॉन्ट के रूप में इस प्रकार की बातें कही जाती है। कोरोना महामारी से देश और छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। इसी दौरान बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। देश भर में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेलों की बढ़ती कीमतों के कारण फल सब्जी समेत सभी सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता के विवादित बोल जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 8।